ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीम ठीम छीम ह्रीम त्रीम प्रीम ह्रीम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, कालिका मैया की जय, माँ शारदा की जय, जालपा की। देखिए आज हम आपको एक विशेष शाबर मंत्र है जो भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, जाल जंजाल, मारण मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, तमाम प्रकार की डाकनी, साकनी, हाकनी, बरम, खब्बीस, डायंडाई, मसाने जैसी जो तमाम प्रकार की बाधाएं होती हैं, इन सब प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए यह एक उपयुक्त मंत्र है। मंत्र देखिए सभी उपयुक्त ही होते हैं, जो आपके ऊपर प्रभाव दिखा दे, असर दिखा दे, वही आपके लिए बेहतर मंत्र होता है। यूट्यूब किताबें मंत्रों से भरी पड़ी हैं, हर मंत्र हर व्यक्ति को प्रभावशील नहीं होता है। बीमारियों में तो पता चल जाता है कि बुखार है तो पैरासीटामोल खा लो, कोई और असाध्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भैया एंटीबायोटिक खा लो। तमाम प्रकार की दवाइयाँ रोगों के निरीक्षण करने के बाद ही दी जाती हैं, लेकिन मंत्रों में ऐसा कुछ नहीं है। मंत्र अपने आप में ही रिसर्च का विषय होते हैं। वैसे तो इन मंत्रों को श्रवण करने से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी समस्या का हल किस मंत्र से हो पाएगा। हाँ, अब श्रवण करने से देखिए 2%, 5%, 10% लाभ होता है। कोई ये विचार करे कि हम मंत्र श्रवण कर रहे हैं नित्य प्रतिदिन तो हमारा पूरी तरह लाभ हो जाए तो नहीं हो पाता, क्योंकि श्रवण करने से सिर्फ 2%, 10% ही ऊर्जा उससे आपको मिल पाती है, ऊर्जा तरंगों से, तो उतना प्रभावशील सुनना नहीं रहता। हाँ, लेकिन आप सुनने के तरीके को यदि बदल देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि कई लोगों के कार्य सुनने मात्र से हो गए हैं। सुनने का तरीका अलग कैसे करना चाहिए? जैसे हम हनुमान जी महाराज का मंत्र श्रवण कर रहे हैं, चाहे साबर मंत्र सुने, वैदिक मंत्र सुने, पौराणिक मंत्र सुने, किसी भी भाषा का यदि हम मंत्र श्रवण कर रहे हैं तो आप उस इष्ट का, जैसे हनुमान जी का सुने तो हनुमान जी का ध्यान बना कर रखें जितनी देर भी आप मंत्र सुने। यदि 5 मिनट मंत्र श्रवण कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए, कहाँ बैठे हैं, क्या है, घर में कौन कौन है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ आप अपने दिमाग में एकदम ध्यान बनाइए कि हनुमान जी मेरे सामने एकदम खड़े हुए हैं, एकदम शांत स्वभाव में, जो भी चित्र आपके दिमाग में आए हनुमान जी महाराज का, उसी चित्र का कंटिन्यू ध्यान बनाइए और मंत्र का श्रवण करिए। आप देखेंगे कि 2, 4, 10 बार ही आपको ऐसा करना पड़ेगा, और ध्यान यदि आपका पक्का हो गया तो फिर आपको झाड़ा फूकी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मंत्र को सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका कार्य वैसे ही हो जाएगा। भूत प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं उसी क्षण हट जाएंगी। देखिए तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है और कुछ नहीं है। हमारे शरीर में भी अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, यदि हम अपनी शरीर की ऊर्जा को प्रबल कर लें तो भूत प्रेत शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती है। और लोग क्या है, ध्यान नहीं करते। लोग मंत्र को कैसे श्रवण करते हैं, चालू कर दिया, बज तो रहा है कोने में रखा हुआ, अब अपने काम में भी लगे हैं, आपका मन लगा कि रोटी जल्दी से बन जाए, झाड़ू लगा लें, काम कर लें, बिस्तर ही समेट दें और मंत्र चल रहा है, तो ऐसे में मंत्र लाभ नहीं करेंगे। मंत्र यदि आप सिद्ध नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, तो फिर आपको मंत्र को कायदे से श्रवण करना पड़ेगा। शरीर में थोड़ा सा पवित्रीकरण करिए, आचमनी करिए, जल ग्रहण करिए थोड़ा सा, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण नमः। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, नाम लेके आप कर लेंगे, हाथ धो लीजिए बढ़िया से, सीधे बैठ जाइए, हनुमान जी महाराज का या जिस इष्ट का मंत्र हो उस इष्ट का ध्यान करिए और बढ़िया से मंत्र का श्रवण करिए और देखिएगा 5-10 मिनट में आपको लाभ पक्का ही मिल जाएगा। चलिए अब हम जिस मंत्र की चर्चा करने वाले हैं उस मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस जो मंत्र सिद्धि विधि हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, यह मंत्र हमने श्रवण करने के लिए आपको उपलब्ध कराया है। इस वीडियो से रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए एक बार हम आपको मंत्र श्रवण कराते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि हम आपको कौन से मंत्र की विधि विधान बताने वाले हैं। ओम कालिका माई मन बसे, हृदय बसे कले ही माई, छाती बसे वज्रवीर, पीठी बैठे रक्षपाल, अखियां बैठो माई जालपा, जिह्वा बैठो वान शारदा, भैरव
अब सो कपाल, नारसिंह आगे चलो तोड़ो जाल जंजाल, जादू तोड़ो जंतर तोड़ो, तोड़ो तंत्र मंत्र को बार, मारण मूड वशीकरण चाटन तोड़ो, तोड़ो माया जाल। हाथ पड़े हनुमंत की भाग भाग भूत भाग, डाकनी भाग शाकनी भाग हाकनी भाग, भाग भाग बरम खब्बीश डायन डाई मशान, ना भागे तो वज्र पड़े बजरंगी को, माता अंजनी की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र चले मंत्र तो हाय राजा रामचंद्र की। इस तरह का देखिए मंत्र है, और खासकर यह मंत्र भूत प्रेत बाधाओं को भगाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जब आपको एहसास हो जाए कि आपको दवाइयों से राहत नहीं मिल रही है, रिपोर्टें सारी निगेटिव आ रही हैं जो भी हम जांच करवा रहे हैं, तो एक बार मंत्र का प्रयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है पहली बार मंत्र प्रयोग करने की, आप सिर्फ मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, और मंत्र को कंठस्थ करने के बाद जैसे यह मंत्र है इसी मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिएगा, और इसको आप अभी सिद्ध नहीं कीजिए, सिर्फ कंठस्थ करिए, और कंठस्थ करने के बाद मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को बढ़िया से तेल अर्पण करवाइए, सिंदूर अर्पण करवाइए, नैवेद्य प्रसाद ये सारी चीज़ें अर्पण करवाने के बाद हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए और अपने घर चले आइए। घर में आकर एक गिलास जल लीजिए, चाहे ताम्रपात्र में ले लीजिए, पूजा के बर्तन में ले लीजिए, किसी भी वस्तु में आप जल ले सकते हैं। जल लेने के बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इस मंत्र का मात्र 11 बार पाठन करिए, और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए जल के अंदर फूंक लगा दीजिए और उस जल को ग्रहण कर लीजिए। भड़बड़ा के आपके शरीर से बुरी शक्तियाँ निकल जाएंगी, भले ही 2-4 घंटे के लिए निकलें, दिन भर के लिए निकलें, हो सकता है हमेशा के लिए भी निकल जाए, लेकिन उसी क्षण आपको इस मंत्र की शक्ति का जो एहसास है वह मिल जाएगा कि यह मंत्र हमारी बाधा का हरण कर पाएगा। और इसमें हमने बताया मंत्र का परीक्षण करने के लिए आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कंठस्थ करना जरूरी है और हनुमान जी महाराज का ध्यान करना जरूरी है। ये तो प्रयोग वाली बात हो गई, अब चलिए इस मंत्र को वास्तविकता में सिद्ध कैसे करना चाहिए। तो देखिए साबर मंत्र जो हमारे खासकर बुंदेलखंडी मंत्र होते हैं उनकी विधि लगभग सेम होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता विधि में, और हनुमान जी महाराज के मंत्र सारे की सारी विधियाँ एक जैसी हैं। हमारे गुरुजी ने जो हमें विधियाँ बताई हैं उसमें उल्टा सीधा नहीं बताया है कि ये कर लेना वो कर लेना, आधी रात को जपना, इतने दिन में जपना, 4 बजे जपना, ये उल्टा सीधा नहीं बताया, सीधी सीधी विधि बताई है, और सीधी सीधी विधि हम आपको भी बता देते हैं, और इनके प्रयोग भी आसान होते हैं। हाँ, अदर क्षेत्र के मंत्र हैं जैसे बंगाली मंत्र हो गए और गढ़वाली मंत्र हो गए, इसके अलावा छत्तीसगढ़िया मंत्र हो गए, इनकी विधियाँ थोड़ा सा अटपटी होती हैं, उनमें तामसिक विधान भी रहते हैं, तमाम प्रकार की उल्टी सीधी सामग्रियाँ रहती हैं, कई मंत्र तो ऐसे रहते हैं शमशान में खड़े होकर जाप करना पड़ता है। लेकिन बुंदेलखंडी मंत्र 10 में से 2 मंत्र ही ऐसे होते हैं जो अलग जगह एकांत में शमशान में तरह तरह के उल्टे सीधे कर्मों से वो सिद्ध होते हैं, लेकिन बस हनुमान जी महाराज के मंत्र आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज का इस कराल काल कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से देखिए विद्वान होते हैं, उनका हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का पालन करते हैं, उनके नाम का ही स्मरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आस हमारे आसपास आ जाती है, हमारी रक्षा हो जाती है। अब ये जरूर है कि हमारी शारीरिक ऊर्जा प्रबल नहीं है, इसलिए हमारा संदेश जल्दी उनके पास नहीं पहुँच पाता, यदि हम ध्यान लगाने लगें कायदे से हमारा ध्यान बनने लगे तो हमारी शरीर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है, एक ही बार हनुमान जी महाराज का हम स्मरण करते हैं उनके पास तत्काल हमारा संदेश पहुंच जाता है। भगवान के पास संदेश ना पहुंच पाना हमारी शारीरिक ऊर्जा की कमजोरी के कारण होता है, क्योंकि हम इतने भटक चुके होते हैं, इतना हमारी श्रद्धा घट जाती है मंत्र तंत्रों के इष्टों के प्रति, सिर्फ हमें भटकना ही सोचता है कि इधर चले जाए शायद ठीक हो जाए, उधर चले जाए शायद ठीक हो जाए, और भटकने में हमारी ऊर्जा क्षीण होती रहती है धीरे धीरे। वही आप समय है कि आप इधर उधर भटकना बंद करते हुए अपने घर में ही बढ़िया से भगवान का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, भगवान के मंत्रों का जापन शुरू कर दीजिए। एक दिन आराम नहीं लगेगा, 2 दिन आराम नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, लेकिन अंत में जब ध्यान आपका पक्का होने लगेगा अपने आप शरीर की ऊर्जा प्रबल हो जाएगी और आपके संदेश ईश्वर के पास पहुंचने लगेंगे और ईश्वर की ऊर्जा आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को वैसे यह एक कवच मंत्र भी मान सकते हैं, इस मंत्र का यदि आप पाठन करते हुए और अपने माथे में तिलक
लगा लेते हैं या अपने हाथ में कलावा बांध लेते हैं तो आपके ऊपर यह मंत्र कवच की तरह कार्य करता है। इसमें कहा गया है, कालिका मन बसे हृदय बसे कले ही माई छाती बसे वज्रदीप पीठी बैठे रक्षपाल अखियां बैठो माई जालपा। इस तरह के इसमें शब्द हैं कि शरीर के हर अंग की सुरक्षा करता है यह मंत्र। तो मंत्र आपने श्रवण कर ही लिया है, अब चलिए इसकी विधि विधान की तरफ चलते हैं। किसी भी मंगलवार अमावस्या के दिन, किसी भी शनिवार अमावस्या के दिन, गुप्त नवरात्रि में और कुमार की नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में, हनुमान जयंती के दिन, ग्रहण काल में, रवि पुष योग में, ऐसे बहुत सारे समय हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में, आपको हर महीने कोई ना कोई देखिए मुहूर्त मिल ही जाता है। और सावन का महीना आने वाला है, पूरे सावन भर मुहूर्त मुहूर्त रहते हैं, पूरा सावन जो है सर्वार्थ सिद्धि योगों से भरा हुआ रहता है। ठीक है, भगवान हनुमान जी महाराज रुद्र के अंश अवतार माने जाते हैं और सावन का महीना शिव जी को समर्पण माना जाता है। सावन में आप किसी अच्छे मंगलवार के दिन आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं, देख लीजिएगा उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा ही होगा पक्का, किसी न किसी मंगलवार को तो कर लीजिएगा। नहीं है मंगलवार अमावस्या, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आसानी से, तो आप कर डालिएगा। और जब मुहूर्त आपको देखे नहीं मिलते हैं और आपकी श्रद्धा है, मजबूरी है, इमरजेंसी पड़ी है, तो आप साधारण मंगलवार के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर लेंगे। हनुमान जी महाराज के मंदिर में वही विधि विधान है, तेल सिंदूर सारी चीज़ें भगवान को प्रसाद अर्पण करने के बाद हनुमान जी महाराज के सामने बढ़िया सरसों के तेल का एक बड़ा दीपक जलाने के बाद इस मंत्र की आप 11 माला जपन करिए। यदि आप साधक हैं, झाड़ने फूकने का कार्य करते हैं, तो आपको 11 माला जप करनी है। लेकिन आप साधक नहीं हैं, आपको पहली बार मंत्र का प्रयोग करना है, तो आप हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर मात्र एक ही माला जाप करिए और यह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगेगा। क्योंकि आपको स्वयं की बाधा का हरण करना है, अपने परिवार की बाधा का हरण करना है, तो एक माला आपके लिए काफ़ी है। एक ही बार आपको प्रयोग करना है तो इतनी ऊर्जा इस मंत्र में मिल जाएगी कि आपकी बाधा का हरण हो जाएगा। लेकिन आप साधक हैं, तंत्र हैं, तंत्र क्रियाएँ करते हैं और आप परोपकार में इस लंबे समय तक इस मंत्र का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इस मंत्र की फिर आपको पूरी सिद्धि की जरूरत है। आप 11 माला जप करिए और एक माला इसी मंत्र के साथ आप हवन करिए, तब इसमें पूरी सिद्धि आपको मिल जाती है। इसके बाद हवन करने की सामग्री आपको पता ही है, यदि आप इतने सारे वीडियो हमारे देख चुके होंगे तो हवन सामग्री लगभग हम सभी वीडियो में बताते हैं। बाजार से सामग्री लाना है, पलाश की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और आक की लकड़ी, ये सारी लकड़ियाँ जो संविदा के रूप में आपको प्रयोग करनी है। इसमें चंदन की भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उमर की भी प्रयोग कर सकते हैं, गिलोय की भी प्रयोग कर सकते हैं, अद्धजारे की भी प्रयोग कर सकते हैं, 7 संविदा, 5 संविदा, ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं हवन के रूप में। और हवन सामग्री तो बनाना सबको आता ही है, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा हवन सामग्री का जो रेशो होता है कितना कितना होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हवन सामग्री बाजार से ला लीजिएगा, चाहे घर में ही बना लीजिएगा। और नहीं है हवन सामग्री तो शुद्ध घी से ही आप आहूतियाँ देंगे, 108 आहूतियाँ तो देनी है, उतने में ही आपका कार्य चल जाएगा। हवन होने के बाद फिर आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो इस मंत्र को देखिए, प्रयोग करने के लिए हमें एक गदा लेना पड़ता है। गदा आसानी से किसी मंदिर के किनारे दुकानों पर आसानी से मिल जाता है, पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाता है, छोटा सा गदा बढ़िया ला लीजिएगा। और जैसा 300-400 रुपये का गदा अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। यदि आप धनी व्यक्ति हैं तो चांदी का गदा, सोने का गदा भी आप ले सकते हैं। उस गदा को मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पण कर दीजिए और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए, किसी मंदिर में अर्पण करिएगा तो अति उत्तम रहेगा। उनसे प्रार्थना करने के बाद एक हफ्ते के लिए वह गदा उसी मंदिर में आप छोड़ दीजिए। जब एक हफ्ता आपका गुजर जाए, हनुमान जी महाराज से फिर से आज्ञा लीजिए, प्रार्थना कर दीजिए कि इस गदा में इतनी शक्ति दे दें कि जिसकी तरफ हम इस गदा को फेर दें उसकी समस्त प्रकार की बुराइयाँ, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, समस्त प्रकार की प्रेत बाधाएँ समाप्त हो जाएँ। इस तरह प्रार्थना करते हुए उस गदा को आपको अपने घर ला लेना है, दूध से, दही से, पंचामृत से, शुद्ध गंगा जल से उस गदे का स्नान कराना है, उसका बढ़िया से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उसका पूजन करना है, उसके मुंडी पे बढ़िया से कलावा बांधना है और फिर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है, थोड़ा सा जलाना है अग्नि और इसी मंत्र का पाठन करते हुए 11 आहुतियाँ डाल देनी है और जो धुआं निकलेगा गदा को वह दिखा देना है, बस आपका गदा यह रेडी हो जाता है। जब भी आपको लगे प्रेत बाधा से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तंत्र बाधा से कोई व्यक्ति पीड़ित है, मारण मूठ की बाधा से कोई पीड़ित है, खासकर बरम खब्बी से डायन मशान जैसी बाधाओं से पीड़ित हैं, बस गदे को थोड़ा सा आप जल में डुबा दीजिए, साधारण जल में डुबा दीजिए, उसमें थोड़ा सा तुलसी के पत्ता डाल दीजिए और आप चाहें तो कमल का बीज भी एक उसके अंदर रख सकते हैं। गदे को, गदा को एकदम सीधा आप उसमें
एक बार डुबा दीजिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए और फिर इस मंत्र का पाठन करिए और सामने वाले व्यक्ति को झाड़ा लगाना शुरू करिए। कम से कम 11 बार उसके ऊपर झाड़ा लगा दीजिए। जिससे पानी में आपने गदा डुबाया था उसको अपने बाएं हाथ में लीजिए, थोड़ा सा अपनी इसमें अंजुली में डालिए, एक बार मंत्र पढ़िए, सामने वाले के ऊपर चेहरे पर बढ़िया से छींटा मार दीजिए। इतने में है उसके शरीर के अंदर जो भी बाधाएँ होती हैं भड़बड़ा के उसके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। और फिर थोड़ा सा जल वही वाला आप उसको पान भी करा दीजिए। इतने में उसकी समस्त प्रकार की बाधाएं शांत हो जाएंगी। आपको टोना टोटका कीलन फीलन ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतने में हनुमान जी महाराज हर प्रकार की बाधा को संहार कर देते हैं। हमने बताया खासकर बाराम खब्बीस डायन और मसान जैसी बाधा को तो ये तुरंत ही हटा देता है। तो भूत प्रेत डाकनी साकनी की तो गिनती ही खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बरम और खब्बीश बहुत प्रबल प्रेत माने जाते हैं। तो इनको जब यह मंत्र हटा सकता है तो छोटे मोटे प्रेतों की तो गिनती नहीं हुआ, तो सुनते ही भाग खड़े हो जाएंगे। जब आपको यकीन हो जाए कि इसके शरीर से प्रेत बाधाएँ निकल गई हैं, हाँ जब आप झाड़ा लगाएंगे संभवतः सवारी आ जाती है कई लोगों को, तो आपको यदि सवारी बकृति है तो अच्छी बात, नहीं बकृति है तो इस मंत्र का पाठन करते हुए जल के छींटे लगाते जाना है, गदा से झाड़ा लगा देना है। 11 बार में काम हो जाता है, 11 बार से ज़्यादा झाड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हनुमान जी महाराज का यही मंत्र पढ़ते हुए बढ़िया से हाथ में उसके कलावा बांधिएगा। यदि आपने जब इसका हवन किया था मंत्र का उसकी भस्मी बजा के रखी है तो उस भस्मी को एक चुटकी लेके ताबीज़ के अंदर डाल के लाल रंग के धागे में ताबीज़ भी आप धारण करवा सकते हैं पेशेंट को। समझ लीजिए दोबारा उसके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की बुरी शक्ति नहीं आएगी, ना ही दुष्ट बाधाएं आएंगी, नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आएगी। कई लोग के सवाल आए थे हमारे टेलीग्राम चैनल में कि सवारी आती है, सवारी बांधने का मंत्र बताइए। तो यह मंत्र सवारी बांधने के भी कार्य आता है। इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप उसकी शिखा में 3 गांठ लगा देते हैं तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की सवारी बंध जाती है। लेकिन यह मंत्र आप पहले सिद्ध कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होंगे। इस मंत्र का पहले श्रवण करिएगा भैया, क्योंकि जब श्रवण करेंगे तो इस मंत्र की ऊर्जा का आपको पता चलेगा। जब इसकी ऊर्जा आपके शरीर को एहसास दिलाए, कुछ ना कुछ लक्षण प्रकट करे, तब इस मंत्र की आप साधना करिएगा। और यदि आप साधक नहीं हैं, पहली बार ही आपको मंत्र प्रयोग करना है, तो इस मंत्र को सिर्फ कंठस्थ करिएगा, 11 बार जल के अंदर फूंक लगाइएगा और जल पान करिएगा, आपको तुरंत ही राहत मिल जाएगी। तो राहत जब मिल जाए तब फिर इसकी सिद्धिकरण करने के बारे में विचार करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में भी संपर्क कर लीजिएगा और टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में ही निजी जानकारियाँ भेजा करिए, ओपन चैट में कभी भी निजी जानकारियाँ नहीं भेजा करिए। हाँ, सवाल का जवाब थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि दिन भर हम टेलीग्राम में जूझे रहते हैं, तो नहीं जूझते। आप सुबह से अपना जब भी आपको समय मिले अपना सवाल छोड़ दीजिए और शाम तक रात्रि तक जब हमको समय मिलता है उस समय हम आपके सवाल का जवाब उपलब्ध करा देते हैं। बात करने का समय 7 बजे से 8:30 बजे तक है, उसी समय आप फोन लगाएंगे। बाकी समय में निवेदन है कि फोन का प्रयोग ना करें। जय श्री राम।